खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी तैयारियों में आज एबीपी न्यूज का ये कारवां यहां पहुंचा है। हम झारखंड की राजनीति की बात भी करेंगे, यहां पे क्या उठापटक चल रही है, लेकिन उसके पहले सबसे पहली खबर मैं महाराष्ट्र की दिखाना चाहूंगा। महाराष्ट्र से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे प्रदीप शर्मा, उनका नाम सुना होगा। खबर यह है कि प्रदीप शर्मा नौकरी छोड़ने के बाद अब शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, शिवसेना के उम्मीदवार हो सकते हैं प्रदीप शर्मा। जिसने दाऊद के भाई को किया गिरफ्तार, जिसने की 150 से ज्यादा एनकाउंटर, जिसने कई आतंकियों को किया ढेर, मुंबई पुलिस का वो सिपह सालार अब नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, जो महाराष्ट्र गृह विभाग ने स्वीकार भी कर लिया है। खबरें हैं कि प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और वो नाला सोपारा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। आज गणपति की पूजा करने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे प्रदीप शर्मा अभी अपनी नई पारी के बारे में बोलने से बच रहे हैं। दर्शन करने आए हैं सर, कुछ नया शुरू किया जाता है तो पापा के दर्शन किए जाते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा, हमारी फैमिली हमेशा मंगलवार को दर्शन करने आती है। सुगुगाहट सर चुनावों को लेकर है, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर है, कोई भी कमेंट इसको लेकर? एक दो दिन में मालूम पड़ेगा आपको। 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था, जिस दौरान प्रदीप शर्मा और ऐसे कई पुलिस अधिकारी चर्चा में आए। सरकार ने गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए एनकाउंटर की नीति अपनाई और इस नीति को अमली जामा पहनाया प्रदीप शर्मा जैसे पुलिस अधिकारियों ने। प्रदीप शर्मा ने 35 साल तक मुंबई पुलिस में नौकरी की, 150 से ज्यादा एनकाउंटर किए। टाइम पत्रिका अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दे चुकी है। 2017 में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को पकड़ा, मुंबई के कई बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। अगले साल यानी 2020 में प्रदीप शर्मा रिटायर हो रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब खबरें हैं कि राजनीति में जाने वाले हैं। पर सवाल ये है कि राजनीति में अचानक एंट्री की वजह क्या है। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदीप शर्मा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले थे। तब कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जाता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्यपाल सिंह के बागपत से जीतने में प्रदीप शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी और तभी से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने आई। प्रदीप शर्मा फोर्स में थे, वो महाराष्ट्र की विधानसभा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते थे। प्रदीप शर्मा बीजेपी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन होने जा रहा है और नाला सोपारा, जहां से प्रदीप शर्मा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो शिवसेना के कोटे की सीट है। यही वजह है कि प्रदीप शर्मा बीजेपी में शामिल नहीं होकर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। शिवसेना के नेताओं से प्रदीप शर्मा की दो बार मुलाकात भी हो चुकी है और खबरें हैं कि अगले कुछ दिन में वो पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बात महाराष्ट्र की चल रही है। महाराष्ट्र में खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच भी सीटों को लेकर अब तालमेल बनने लगा है। दोनों पार्टियां करीब 20-25 सीटें ऐसी हमको पता लगी हैं जो आपस में अदला बदली कर सकती हैं। बीजेपी ने कल मुंबई में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं। पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसमें मौजूद रहे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मीटिंग में गठबंधन और सीटों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ सीटों के बंटवारे के पहले कुछ सीटें एक्सचेंज, यानी जो सीटें बीजेपी के पास थी वो शिवसेना को दी जाने की मांग हो रही है, तो कुछ शिवसेना की सीटें बीजेपी अपने लिए मांग रही है। ये मुद्दा जब सुलझ जाएगा उसके बाद ही सीट बंटवारा फाइनल होगा और इसके बाद जेपी नड्डा और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात होगी, जिसके बाद अमित शाह दिल्ली में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मुहर लगाएंगे। बीजेपी की मीटिंग से पहले शिवसेना और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की साझा बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पत्रकारों ने जब उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर सवाल किया तो वो बिना जवाब दिए बढ़ गए।
सीट शेअरिंग मला वाटतं त्याच्यात किती 50 ते 60 सीट आहेत, किती सीट आहेत बसमध्ये? एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि बीजेपी और शिवसेना करीब 20 से 25 सीटों की अदला बदली कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी करीब 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना को 110 से ज्यादा सीटों पर मनाने की तैयारी है। बाकी सहयोगियों के लिए 18 सीट छोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल दोनों दलों के नेता लगातार बैठकर उम्मीदवारों का नाम तय कर रहे हैं, ताकि उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जा सके। सिर्फ 6 महीने में उर्मिला मातोंडकर का पॉलिटिकल टूरिज्म खत्म हो गया। 7 सितंबर को सोनिया गांधी को इस्तीफा लिखकर उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उर्मिला ने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई है। पहली बार मेरे मन में इस्तीफे का विचार तब आया था जब मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद तत्कालीन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा को लिखे 16 मई के मेरे खत के संबंध में पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद इस खत में किए गए गोपनीय संवाद को बड़ी आसानी से मीडिया में लीक कर दिया गया। मेरे साथ ये घोर छल था। मेरे लगातार विरोध जाहिर करने के बावजूद पार्टी में किसी ने इसको लेकर क्षमा नहीं मांगी, यहाँ तक कि चिंता भी नहीं जाहिर की। यही नहीं, मेरे खत में जिन लोगों के नाम थे उनमें से कुछ को मुंबई नॉर्थ में कांग्रेस के घटिया प्रदर्शन के बावजूद नए पदों से नवाजा। उर्मिला जिस खत का जिक्र कर रही हैं, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर से हार के बाद लिखा था। उर्मिला ने अपनी हार के लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब झारखंड की राजनीति की बात कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने दावा किया कि सभी 81 सीटें बीजेपी यहां पर जीतने वाली है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस का ये कहना है कि वो रघुवर दास को हराने के लिए इस बार जेवीएम और आरजेडी के साथ शायद गठबंधन ना करे, केवल जेएमएम के साथ करे। ये सब कुछ हुआ शिखर सम्मेलन में। परसों कमल बहन कॉन्फ्रेंस और कल घर घर रघुवर कैंपेन, बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले फ्रंट फुट पर खेल रही है और प्रचार की रेस में लगातार बढ़त बनाए हुए है। आज तो एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में सीएम रघुवर दास ने सभी 81 सीटों पर जीत का दावा करके विरोधियों को चुनौती दे डाली। अब की बार 81 में से कितने? 81 के 81 साहब का जमानत जब्त हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं है मुख्यमंत्री जी, 81 के 81? आप लोकसभा में 14 की 14 तो कर नहीं पाए। रांची के मीडिया लोग भी बैठे हुए हैं। मैंने पार्लियामेंट चुनाव के बाद भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 14 में 12-13 100% आएगा। सारा मीडिया लोग छापा था। एक सीट हम लोग गड़बड़ हो गए, चाबासा राजमहल। उस समय भी मैं मीडिया के समक्ष कहा था कि ये डाउटफुल है। तो मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, इंसान मानवीय गलती है। मैं तो 81 की कुछ तो कम कर लीजिए, मानवीय गलती भी हो सकती है। लक्ष्य हमेशा, मैं आप सबको कहता हूँ, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। बीजेपी रोज एक कदम आगे जा रही है, जबकि कांग्रेस की रणनीति अब भी उलझी हुई है। हालांकि आज शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के बड़े नेता सुबोधकांत सहाय ने ये दावा जरूर किया कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। झारखंड में विपक्ष की सरकार बनेगी, कितनों एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करके ले। आम आदमी यहाँ त्रस्त है, ध्वस्त है और वो अपना अधिकार को फिर से स्थापित करेंगे। अब जरा राज्य में कांग्रेस की जो रणनीति है उसे भी समझते चलिए। एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि झारखंड में कांग्रेस बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम और लालू यादव के साथ समझौता करना नहीं चाहती। झारखंड में कांग्रेस सिर्फ हेमंत सोरेन के साथ समझौता करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। असल में इसके पीछे की वजह ये है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर गठबंधन में ज्यादा दल आ गए तो फिर उसके खाते में लड़ने के लिए कम सीटें रह जाएंगी। कांग्रेस की कोशिश जेएमएम से समझौता कर कम से कम 35 से 40 सीटों पर लड़ने की है। फिलहाल विपक्ष अपनी रणनीति दुरुस्त करने में जुटा है, जबकि बीजेपी रोज एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। पहला मौका है जब राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, इसलिए विपक्ष को मजबूत रणनीति के साथ मैदान में जाना होगा, नहीं तो दिक्कत होने वाली है।